माय चैनल कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और अपने घर में सुरक्षित होंगे। और मैं हूँ अभी गाड़ी में और हम जा रहे हैं अपने फैमिली के साथ कहीं बाहर घूमने। अब घूमने के लिए तो बहुत जगह का प्लान है, अब देखते हैं कहाँ कहाँ घूम पाते हैं। तो बहुत दिनों के बाद मैं आज बाहर निकली हूँ, तो यहाँ पे मैंने मास्क नहीं लगाया क्योंकि गाड़ी में ओनली हम फैमिली के लोग ही हैं, तो गाड़ी में तो सेफ्टी रहती ही है। तो चलिए चलते हैं, कहाँ जा रहे हैं आप लोग को मैं दिखाऊंगी और आप लोग वीडियो पूरा वॉच करिएगा। और अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए चलते हैं फिर। जाना था हम वहाँ पहुँच चुके हैं और इसके पहले एक जगह और गए थे जहाँ स्टार्टिंग से ही प्लान बनाए थे कि यहाँ जाना है घूमने, बट वहाँ ओपन नहीं था तो फिर हम यहाँ आ गए हैं। तो यहाँ अभी ये गए हैं एंट्री करने के लिए, पूछने के लिए क्या कैसा है। तो देखते हैं कि यहाँ हम लोग को जाने को मिलता है या नहीं मिलता है। तो यहाँ भी हम लोग को जाने को नहीं मिला क्योंकि साथ में बच्चे थे तो बच्चों को अलाउ नहीं था, तो फिर बच्चों को छोड़ के कैसे जा सकते थे। तो फिर हम लोगों ने बोला चलो हो गया, कहीं और घूम लेते हैं, अगली बार घूम लेंगे। तो फिर हम यहाँ से निकल गए हैं। अब देखिए कहाँ जाते हैं, तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं मॉल। अब मॉल तो ओपन ही है तो चलो यहीं घूम लेते हैं, अब इतने दूर आए हैं तो चलिए फिर चलते हैं अंदर। यहाँ पे हम एंट्री कर चुके हैं और एंट्री करने से पहले हैंड सैनिटाइज और टेम्परेचर चेक किया गया जो इस टाइम पर हर जगह ही हो रहा है। और ये देखिए कितने अच्छे से डेकोरेट किया गया है क्योंकि बहुत जल्द ही दीपावली आने वाला है, उसकी वजह से यहाँ बहुत अच्छे से डेकोरेट है और यहाँ ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। तो चलिए अब यहीं घूम लेते हैं, फिर इसके बाद चलते हैं देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। अभी घूम चुके हैं और हम लोग अभी जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? कहूँ नहीं, घर। घर जा रही हो कि कुछ खाना नहीं है? खाने के लिए बाजार जाना। कहाँ जाना है? इधर मार्केट जाना। बताओ कहाँ जा रही हो? बिलासपुर। बिलासपुर में तो हो, अब कहाँ जा रही हो? बम्बई। गाना बात बोला कैसे के बोला हूं। किट्टू कहां गए? किट्टू इधर देखो, ये देखो, इसको देखने दो किट्टू को। ये देखो किट्टू है, ये देखो घूम रहे हैं बिलासपुर, है ना? यूं यही रहोगी? हॉस्टल लो दीदी ना पियो। यहाँ पे आ गए हम लोग चौपाटी, तो चलिए अब कुछ खा लेते हैं, अब इतने दूर आए हैं तो। और
यहाँ भी इतने ज़्यादा कोरोना के केसेस नहीं हैं, कम हो रहे हैं और हमारे यहाँ सब कुछ ओपन होने लग गया है। और आप यहाँ भीड़ भी देख सकते हैं, भीड़ है पर उतना ज़्यादा नहीं है। और ये देखिए, आप लोग भी मिल लीजिए मेरे फैमिली वालों से। और ये लोग इतने दूर से आए हुए थे तो इनको घुमाने ही हम लोग लाए थे, बट जहाँ जाना चाहते थे वहाँ नहीं जा पाए और दिमाग ख़राब हो गया। तो कोई बात नहीं, अगली बार घुमा देंगे। तो चलिए अब हम लोग कुछ खा लेते हैं, इसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। यहाँ पे हम निकल चुके हैं घर के लिए, और इसके पहले एक जगह और कहीं चले गए थे, काम था तो काम से गए थे। और चलिए अब चलते हैं घर, घर जाके खाना भी बनाना है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या बनाती हूँ, और मैं शायद आपके साथ कोई रेसिपी भी शेयर करूँगी, तो आप लोग देखिएगा। यहाँ पे मैंने लिया है मेथी भाजी और इसे काट के और अच्छे से धुल लिया है। इसके बाद यहाँ पे टंगा दिया कढ़ाई, इसमें सरसों ऑयल ऐड करेंगे, इसमें थोड़ी सी हींग डालेंगे, इसके बाद भाजी को छौंक लगा देंगे। और यहाँ पे धनिया पत्ती, अदरक, लहसुन और मिर्ची को अच्छे से चॉप करके रख लिया है। इसके बाद मैं लगाऊंगी आटा, तो यहाँ पे लिया गेहूं का आटा और इसमें थोड़ी सी डालेंगे बेसन। इसके बाद सभी मसाले ऐड कर देंगे, जैसे लहसुन, अदरक और मिर्ची, लाल मिर्च और नमक अपने अकॉर्डिंग, और गरम मसाला, और जो भाजी हल्का उबाल कर रखा था उसको भी ऐड कर देंगे। और लास्ट में इसमें डालेंगे दही, और दही इसका मेन वो है, और दही डालने से बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा बनता है। तो यहाँ पे मैं दही से ही आटे लगाने वाली हूँ। तो इस तरह देखिए, मैंने दही से अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। इसके बाद इसमें हल्का सा पानी डालूँगी, और ये देखिए अच्छे से डो रेडी हो चुका है और कितना सॉफ्ट और बना हुआ है। तो यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ मेथी पराठा। तो एक बार इस तरह से आप लोग भी आटा लगा कर देखिएगा, बहुत ही अच्छा बनता है और बहुत ही सॉफ्ट बनता है। तो अपने अकॉर्डिंग लोइयाँ बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लोइयाँ बना लिया है, और अब इसको बेल लेंगे। और जैसे शेप देना चाहें पराठे का, तिकोना, चारकोन या फिर गोल, उस टाइप से शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं तो सिंपल ही बना रही हूँ गोला, और इसको फिर मैं सेक लूँगी अच्छे से। और सर्दियों का मौसम आ गया है, और मेथी पराठा तो बहुत ही अच्छा लगता है सर्दियों में। तो आज मैं बना रही हूँ मेथी पराठा, गर्मा गर्म मेथी पराठा। तो चलिए मैं बना लेती हूँ पराठे, और फिर इसके बाद हम डिनर करते हैं। तो ये देखिए पराठे अच्छे से बन गया है, और एक भी इधर उधर से चिटका नहीं है। और वैसे आटा लगाओ तो थोड़ी बहुत इधर उधर से चिटक जाता है, और देखिए कितना सॉफ्ट बन के रेडी है। तो चलिए हम डिनर करते हैं, और इस वीडियो को यहीं पिन करते हैं, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।